हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा लॉयल्टीज, जो लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। ये प्ले लिखा गया था 1922 को। ये प्ले जो है हमारे समाज का आईना दिखाता है। आईना कैसा? हमारा जो समाज है, हम लोगों के ऊपर अपने पूर्वाग्रहों यानी कि प्रिजुडाइज माइंडसेट को थोपता है। जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उसके धर्म को लेकर या उसकी जाति को लेकर एक राय बना लेते हैं कि ये इस धर्म से संबंध रखता है तो ये ऐसा ही होगा, और ये इस जाति का है तो इसके अंदर ये गुण तो होगा ही होगा। और वो माइंडसेट उस व्यक्ति को तो परेशान करते ही हैं, आपको खुद भी परेशान करते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने समाज को इस तरह से बनाया है कि हमारा समाज हमारे ही ऊपर अपनी ही चीजों को थोपता है कि अगर आपका एक स्टेटस है तो आप गलती नहीं कर सकते, अगर आप फेमस हैं तो आप ये नहीं बोल सकते, ठीक, अगर आपका एक सोशल स्टेटस है तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ये जो समाज हमारे ऊपर चीजों को थोपता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसे बड़ी खूबसूरती से जॉन गाल्सवर्दी ने अपने शब्दों में पिरोया है। इस प्ले को लिखने के बाद जॉन गाल्सवर्दी ने कहा था कि जब मैं इस प्ले को लिख रहा था तो मुझे एहसास हो गया था कि ये इकलौता मेरा ऐसा प्ले होगा कि जिसे किसी भी थिएटर का कोई भी मालिक अपनाने से मना नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। इसको सेंट मार्टिन्स थिएटर ने अपनाया और ये पूरे एक साल तक हाउसफुल चला। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नरेशन। मिलते हैं नरेशन के बाद कुछ सवालों के साथ, जवाब जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जिनका निकनेम है रॉनी, आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और डीएसओ का तमगा उनके कंधे पर चमका हुआ है। डीएसओ का मतलब था डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। ये एक मिलिट्री डेकोरेशन था जो यूनाइटेड किंगडम के सिपाहियों को दिया जाता था, खास तौर से वो सिपाही जो कॉम्बैट यानी वॉर फील्ड का हिस्सा होते थे। रोनाल्ड डेंसी की लाइफ वॉर के एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ से सारी एक्साइटमेंट एडवेंचर चला गया। अपनी फुल ऑफ एक्शन वाली लाइफ को रोनाल्ड डेंसी ज़्यादा मिस ना करे, इसलिए पहले वो अपने आप को खूबसूरत औरतों में बिजी कर लेता है। रोजाना एक नया लव अफेयर उसका शगल हो गया, पर उसे इसमें भी वो एक्साइटमेंट नहीं मिला तो उसने घोड़े पालना शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही वो इससे भी ऊब गया। उसका अस्तबल बहुत महंगा था, इसलिए रोनाल्ड डेंसी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। खर्चे से बचने के लिए रोनाल्ड डेंसी अपनी एक रोजमैरी नाम की फिली को अपने दोस्त फर्डिनेंड डी लेविस को दे देता है। वो अपनी सभी बचकानी हरकतें छोड़कर मेबल नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए बहुत वफादार है। बावजूद इसके कि रॉनी ने अपने सारे पैसे अय्याशियों में उड़ा दिए हैं, फिर भी वो लंदन के बड़े बड़े क्लब्स में अपनी मेंबरशिप बनाए रखने में कामयाब रहा। लोग अब भी उसे और उसकी वाइफ मेबल को वीकेंड्स पर होने वाली पार्टीज में अपने घर बुलाया करते हैं। चार्ल्स विंसोर नाम का एक शख्स अपने घर मेल्डन कोर्ट में एक पार्टी रखता है, जहां वो शहर के सभी नामी लोगों को बुलाता है, जिसमें रॉनी और उसकी वाइफ के साथ साथ उसके कई दोस्त भी इनवाइटेड हैं। पार्टी में रॉनी को पता चलता है कि जो घोड़ी उसने अपने दोस्त फर्डिनेंड लेविस को दी थी, वो फर्डिनेंड ने 1,000 पाउंड में बेच दी है। फर्डिनेंड लेविस जो एक यहूदी है, उसने बहुत नीचे से उठकर अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाया है। रॉनी सोचता है कि उसकी घोड़ी से डी लेविस ने 1,000 पाउंड कमा लिए। वो डी लेविस से चिढ़ने लगता है। अपनी इसी खुन्नस में रॉनी शाम को पार्टी के दौरान डी लेविस से 10 पाउंड की शर्त लगाता है कि वो 4 फीट ऊंची बुक केस के ऊपर से कूद जाएगा। रॉनी जो एक सैनिक रहा है, वो आसानी से ये काम कर भी लेता है, लेकिन यहूदी डी लेविस उस आदमी से बड़ी नफरत करता है जो चंद पैसों के लिए बेहुदा काम करते हैं। आधी रात को जब सभी मेहमान मेल्डन कोर्ट में सो रहे थे, तभी पार्टी के होस्ट चार्ल्स विंसोर और उनकी पत्नी की आंख अचानक से फर्डिनेंड डी लेविस की आवाज़ से खुलती है।
जो चिल्ला रहा है कि जो 1000 पाउंड उसने फिली को बेचकर कमाए थे उन्हें किसी ने उसके तकिए के नीचे से चुरा लिया है। फर्डिनेंड विंसोर से सभी की चेकिंग करने को कहता है, लेकिन विंसोर अपने यहाँ आए गेस्ट को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता। फर्डिनेंड की जिद पर पुलिस को बुलाया जाता है। रॉनी के दोस्त डी लेविस के खिलाफ हो जाते हैं। वो इस मामले को ठंडे दिमाग से भी हैंडल कर सकता था, उनका ऐसा मानना था, लेकिन डी लेविस ने ऐसा नहीं किया। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उसके यहूदी होने की वजह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, यानी प्रिजुडाइज्ड थे। और आखिर रॉनी ने भी उसके यहूदी होने पर टोंट कस ही दिया। वैसे तो वो लोग फेयर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि डी लेविस से बुरा व्यवहार कोई और नहीं कर सकता था। और उसे याद रखना चाहिए था कि उसके पिता ने कभी इस शहर में होलसेल में कारपेट्स बेचे हैं, यानी अब वो उसकी तरक्की से जल रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद डी लेविस क्लब जाता है, जहां उसका सामना रॉनी से हो जाता है। क्योंकि रॉनी ने उसकी जाति का मजाक बनाया था, इसलिए अब दोनों में दुश्मनी है। और डी लेविस क्लब में सबके सामने रॉनी को 1000 पाउंड चुराने का दोषी ठहराता है। रॉनी डी लेविस को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस तरह का रिवाज अब पढ़े लिखे लोगों में खत्म हो गया था। डी लेविस की जान बच जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सैनिक रॉनी उसे जरूर जीत लेता। रॉनी अपनी वाइफ मेबल से कहता है कि सब कुछ छोड़कर नैरोबी चलते हैं। मेबल, जिसे अपने पति की बेगुनाही पर पूरा विश्वास है, वो उसे यहीं रुककर सारी परेशानियों का सामना करने को कहती है। रॉनी को भी यही लगता है कि शहर छोड़ना गलत मैसेज देगा। रॉनी जैकब ट्विस्डन नाम के एक वकील के पास जाता है और डी लेविस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करता है। जैकब ट्विस्डन रॉनी का केस लड़ने की हामी भरकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि ओल्ड जैकब ट्विस्डन एक आइडियल लॉयर थे, जिनका मानना था कि जस्टिस दिलाने के लिए लॉयर को जाति, पैसा, हैसियत, राजनीति नहीं देखनी चाहिए। अगर घर का आदमी भी दोषी है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और शॉकिंग फैक्ट यह है कि डी लेविस के पैसे वाकई रॉनी ने ही चुराए थे। रॉनी शादी से पहले एक इटालियन लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके साथ वो सेक्सुअल प्लेजर इन्जॉय किया करता था। उसके बारे में उसकी वाइफ मेबल और उसके दोस्तों को कुछ नहीं पता था। उस इटालियन लड़की के पिता पाउलियो रिकार्डोस रॉनी को धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसकी बेटी की जिंदगी गुजर बसर करने को पैसे नहीं दिए तो वो ये बात उसकी बीवी मेबल को बता देगा। इसी डर ने रॉनी को उस रात डी लेविस के कमरे तक जाने पर मजबूर किया और वो 1000 पाउंड चुरा कर उसने रिकार्डोस को सौंप दिए। चुराए गए नोट्स किन किन हाथों से होते हुए जहां जहां पहुंचे उनको पुलिस ने पहचान लिया। जब जैकब को ये बातें पता चली तो उसने रॉनी को सलाह दी कि वो मानहानि का मुकदमा वापस ले ले और तुरंत देश छोड़कर चला जाए। रॉनी के सुपीरियर ऑफिसर जनरल कैनेज भी रॉनी की मदद को आगे आए और उन्होंने कहा कि मामला खुलने से पहले देश छोड़ दे, वो उसे स्पेनिश वॉर में एक फौजी घर दिलवा देंगे। जब डी लेविस को पता चला कि रॉनी ने मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है, वो भी मामले को रफा दफा करना चाहता है और उसे अब कोई पैसा वापस भी नहीं चाहिए। लेकिन रॉनी की उलझने अभी भी वैसी ही हैं। वो अपनी बीवी मेबल को सारी सच्चाई बता देता है। पहले तो मेबल को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर वो अपने पति से कहती है कि मुझे जहां चाहो वहां ले जाओ, मैं आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं। इससे पहले कि रॉनी देश छोड़कर भाग पाता, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। वो अपने कमरे में भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसे आकर पकड़ ले। इससे पहले कि पुलिस रॉनी के कमरे तक जाती, रॉनी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। एक बात जो डी लेविस और रॉनी दोनों ही नहीं जानते थे वो थी कि दोनों सामाजिक रिवाजों, सोशल कन्वेंशंस के विक्टिम थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके सवाल ये रहे।
Thank you.